आज हम लोग फिर एक बार यहाँ पर वृक्ष लगाने के लिए आए हुए हैं। हमारे टीम के साथ बहुत से लोग आज वृक्ष लगा रहे हैं। कहने का मतलब है कि जब आप आगे बढ़िएगा तो लोग आपके साथ चलना प्रारंभ कर देंगे। कहने का मतलब है कि हमारे देश में नेतृत्व करने की आवश्यकता है। वो नेतृत्व आप भी कर सकते हैं। आप इनिशिएटिव लीजिए और उस काम को करने का सोच लीजिए कि उस काम को हमको करना है। अगर कोई भी व्यक्ति नहीं मिलते हैं तो रविंद्रनाथ का कहना था तवे एकला चलो रे, यानी जब आप अकेले चलना प्रारंभ कीजिएगा तो लोग धीरे धीरे मिल ही जाते हैं, जैसा कि आज हमारे साथ है। इनकम टैक्स से हैं, CA भी हैं, कुछ समाज सेवी भी हैं जो आज हमारे साथ वृक्ष लगाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत करने की आवश्यकता है। अगर आप शुरुआत कर देते हैं तो लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो वो शुरुआत आप भी कर सकते हैं। हमारा अनुरोध है कि समाज का यानी देश का प्रत्येक कोना से कोई ना कोई व्यक्ति आगे आकर नेतृत्व करना प्रारंभ करे कि वृक्ष लगाना है। अगर कोई भी नहीं मिलते हैं तो आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको वृक्ष लगाना है, और आप अच्छा कार्यक्रम चलाकर वातावरण या पर्यावरण को आप बेहतर बना सकते हैं। तो अगर कोई मिल भी रहा है या नहीं भी मिल रहा है, लेकिन आपको करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके आप आगे बढ़िए। देखिएगा धीरे धीरे लोग आपके साथ जुड़ते चलेंगे। हो सकता है कि प्रारंभ में आपको अकेले ही जाना पड़े, लेकिन अगर आपका दिल में विश्वास है, और चूँकि हर व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा होती है कि जैसे ही आप दो कदम आगे बढ़िएगा वो सहायता के लिए किसी न किसी को ज़रूर आपके साथ भेज देंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप भी करके देखिए, यही हो सकता है आपके साथ भी हो। आज इस कार्यक्रम में एक छोटा बच्चा भी आकर अपना योगदान दे रहा है और पेड़ लगा रहा है। आज ये पेड़ लगाना सीख जाएगा बच्चा, तो ये जीवन भर ये आदत बना हुआ रहेगा। चाहे ये कहीं भी हो, जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ वो पेड़ लगाएगा। तो इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध है कि देश के हर कोने से लोग आगे आए और वृक्ष लगाएं, क्योंकि यही एक माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने धरती को स्वर्ग बना सकते हैं।